गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो टाइटल एंड थंबनेल देख के आपको पता चल ही चुका होगा कि हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए। यस, चलिए ससुराल यानी वेस्ट बंगाल। तो चलिए व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। भैया हेलो बोल दो, आप भी आ जाओगे? ठीक है, थैंक यू। हम लोग के साथ में एक कांड हो गया, क्या हुआ बताओ? तुम्हारे साथ कांड होते ही रहते हैं। ये अजब है ट्रेन का भी कि एसी कंपार्टमेंट आगे दे दो, इंजन का सामने होना चाहिए। इतना दूर था, सारे स्लीपर जनरल डब्बा काट काट के आया अंदर से। और अगर हम लोग वैसे पकड़ते तो ट्रेन ही नहीं मिलता, मतलब हाँ प्लेटफॉर्म से भाग भाग के, तो दौड़ दौड़ के ट्रेन पकड़ा, दूसरा कंपार्टमेंट डब्बा में उठना पड़ा, फिर वहाँ से भागे, मतलब अभी जाके मैं हमने पहुंचे हमारे डब्बे पे, हालत खराब। ओके गाइस, थोड़ा देर बाद मिलते हैं, बहुत ज्यादा टायर्ड फील कर रहे हैं। हम दिल्ली पहुंचेंगे 2:30 बजे और वहां से हमारा राजधानी एक्सप्रेस है टू भुवनेश्वर, जो खड़गपुर के जाएगा। हाँ, तो हमारा स्टॉपेज खड़गपुर है, तो चलिए वहां हम कर रहे हैं नाश्ता, लेके आए थे तो नाश्ता करके फिर से मिलते हैं। अभी आए हैं फर्स्ट क्लास लॉन्ज में, 2.5 घंटे वेट करना है, रेस्ट करते हैं फिर लंच करते हैं। और ये रहा हमारा लंच। अच्छा है, क्वालिटी अच्छा। हम लोग वेटिंग रूम से आ चुके हैं ट्रेन में, अभी ट्रेन का सीट भी मिल चुका है। चलो, काफी अरसों बाद हम लोग ट्रेन में फिर से सफर कर रहे हैं। लास्ट बार दुर्गा पूजा में आए थे ना, उसके बाद अभी चलो ट्रेन की मजा लो और आप भी बने रहिए हमारे वीडियो में। नॉर्मल एक ठंडा एक नॉर्मल ले लो ना, फिर बेबी आज बहुत ज्यादा एक्साइटेड। हाँ, एक्साइटेड किसको मिलने के लिए? किसको मिलने के लिए? दादू से और थम्मी से। अच्छा, काफ़ी देर बाद मैंने व्लॉगिंग फिर से स्टार्ट किया और अभी हो रहा है 8:30, मतलब बजने वाला है 8:30। डिनर भी आ चुके हैं, डिनर करना है फिर सो जाना है। डिनर में क्या क्या है दिखाओ एक बार। तो ये रहा डिनर प्लेट, इसमें है राइस, जीरा राइस, एंड ये रहा दाल, और इसमें है चिकन, और ये दही, और ये रोटी। तो चलिए डिनर करके फिर मिलते हैं। गाइस, डिनर तो हो गया है, बस अभी सोने का इंतज़ार है और मैं भी बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ, तो चलिए कल सुबह मिलते हैं फिर से। बाय, गुड नाइट। हे गाइस, व्लॉग को कंटिन्यू करने से पहले एक आयुर्वेदिक हेयर केयर किट के बारे में आप लोगों के साथ रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। तो वो प्रोडक्ट है फाइटिका लैश लॉक्स किट।
तो ये एक हेयर केयर प्रोडक्ट है, इसके अंदर है 3 हेयर केयर प्रोडक्ट्स। फ्रेंड्स ये है फाइटिका लैश लॉक्स किट, तो ये एक हेयर केयर किट है। इसका जो आउटर पैकेजिंग काफी ब्यूटीफुल सा है एंड ऑल्सो इनर पैकेजिंग भी उससे भी ज्यादा ब्यूटीफुल सा है। इसमें है फाइटिका लैश लॉक हेयर ऑयल एंड ये है फाइटिका लैश लॉक्स हेयर मास्क एंड ये है फाइटिका लैश लॉक टैबलेट्स एंड इसके साइड में काफी कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर किए हैं, जैसे कि ये आप देख सकते हो मेड इन इंडिया है, नेचुरल है, सेफ है, एफेक्टिव है एंड फॉर ऑल हेयर टाइप्स, हर टाइप्स के हेयर के लिए सुइटेबल है एंड ये ऑल्सो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट को कैसे यूज करना है उसका भी इंस्ट्रक्शन इसमें अच्छे से मेंशन किया है। गाइस इसका प्राइस के बारे में भी आपको मैं बता दूं, इस हेयर प्रोडक्ट का MRP है 1499 रुपीज, बट आप अगर फाइटिका जो साइट है उनके साइट से अगर आप परचेस करते हो तो 999 में आपको मिल जाएंगे, काफी हद तक आपको डिस्काउंट भी मिल जाएंगे। सो चलिए गाइस इसका जो टेक्सचर क्वालिटी एंड इसका प्रोडक्ट क्वालिटी के बारे में भी शेयर करते हैं विद डेमो के साथ। इन हेयर केयर प्रोडक्ट्स में काफी सारा नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है, जैसे कि विंगराज, आमलकी, नीलिनी, जदामानसी, ससामिम एंड ऑल्सो इन हेयर केयर प्रोडक्ट से हमें काफी सारा बेनिफिट्स भी मिल सकता है, जैसे कि हेल्प्स इन रिड्यूसिंग हेयर फॉल एंड हेल्प्स इन कंडीशनिंग स्मूथनिंग, हमारे बालों को काफी नरिशिंग बना देते हैं एंड ऑल्सो प्रोवाइडिंग स्ट्रेंथ टू दी हेयर नेचुरली। नेक्स्ट प्रोडक्ट है टैबलेट्स, बट मैं सजेस्ट करूंगी कि डॉक्टर की सलाह लेके ही आप इस प्रोडक्ट को यूज कीजिए। लास्ट प्रोडक्ट है हेयर मास्क, जो कि पाउडर फॉर्म में आते हैं, आप इसे काफी आसानी से घर पे बना सकते हो। अपने हिसाब से आप पाउडर लीजिए, देन इसमें ऑयल मिक्स कीजिए या पानी भी मिक्स कर सकते हो, देन हमारा पेस्ट बनके एकदम रेडी है। कीप फॉर 30-20 मिनट्स एंड वॉश विथ ल्यूकियम वाटर एंड शैम्पू। सो गाइस क्या आप भी चाहते हो अपने हेयर को केमिकल प्रोडक्ट से दूर रखने के लिए, प्रोडक्ट आप चाहो तो ले सकते हो, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। चलिए गाइस ब्लॉग को एंजॉय कीजिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, बस थोड़ी देर में हम पहुंचने वाले हैं घर और अभी हम ब्रेकफास्ट करेंगे पहले, तो चलिए ब्रेकफास्ट कर लेते हैं उसके बाद मिलते हैं। एक घंटे में हमें हम पहुंचने वाले हैं और ट्रेन में क्या बताओ, रात को इतना ठंडा हो रखा था एसी का वजह से, तो हालत ख़राब हो चुकी थी, नींद भी अच्छे से नहीं हो पाई इसी चक्कर में। बता दो शिमला की यादें मनाली की यादें। कुछ देर बाद मिलते हैं, है ना, उठा इस चलो चलो, चलो। बस हम कुछ ही देर में घर पहुंचने वाले हैं और बहुत ही ज़्यादा हैप्पी मूड में हैं। अब ब्लॉग बस इतना तक ही था और नेक्स्ट ब्लॉग शायद ससुराल में आप लोगों को दिखने को मिलेगा, मतलब ससुराल में ब्लॉग करेंगे। और ब्लॉग अगर अच्छा लगा तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल बटन को। तो चलिए गाइज फिर मिलते हैं एक दूसरी न्यू इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। टिल देन बाय बाय।